इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में ओटीटी सीरीज और फिल्म्स का काफी चलन है। वहीं मिर्जापुर भी ओटीटी की एक काफी फेमस सीरीज है। अब मिर्जापुर का सीजन 3 भले ही रिलीज हो चुका हो, लेकिन ये शो अभी भी किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुआ है। कभी मिर्जापुर सीजन 4 पर आए अपडेट को लेकर, कभी इस सीरीज में शूट हुए इंटीमेट सीन्स को लेकर। अब इस बार के सीजन में त्यागी परिवार के बहू सलोनी त्यागी और बड़े त्यागी का एक इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा है। अब हाल ही में इस शो की एक्ट्रेस नेहा सरगम ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने विजय वर्मा के साथ इस सीन को कैसे शूट किया था। वेला ये देखते हैं इसकी पूरी स्टोरी। नेहा ने मिर्जापुर में बड़े त्यागी की पत्नी सलोनी का किरदार निभाया था। वहीं सीरीज में विजय वर्मा नेहा के पति के रोल में थे। तीसरे सीजन में दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन भी देखने को मिला था, जिसके चर्चे चारों ओर थे। वहीं अब नेहा ने बताया है कि आखिर इस सीन को उन्होंने किस तरह से शूट किया। नेहा ने बताया कि शूटिंग के वक्त विजय वर्मा ने उनको काफी कंफर्टेबल फील कराया था। नेहा का कहना है कि विजय के साथ सेट पर उनका वक्त काफी अच्छा बीता। नेहा ने अपनी बात में कहा कि विजय सेट पर उनको कंफर्टेबल फील कराने की हमेशा ही कोशिश करते थे। इंटीमेट सीन्स को लेकर नेहा ने कहा कि विजय समझ गए थे कि मैं बहुत नर्वस हूँ, और इसीलिए विजय ने नेहा से कहा कि वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि नेहा को काफी कंफर्टेबल फील हो सके। बाद में विजय वर्मा ने डायरेक्टर से इस बारे में चर्चा भी की, लेकिन डायरेक्टर ने नेहा पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनको यकीन है कि नेहा इस सीन को काफी अच्छे से कर पाएंगी। अब सीन शूट करने से पहले नेहा से विजय ने कहा कि या तो आप अच्छे से करेंगी या फिर बुरी दिखेंगी। विजय की इस बात के बाद नेहा ने खुद को काफी समझाया और मोटिवेट किया। नेहा ने अपनी बातों में कहा कि मैंने खुद को काफी समझाया और कहा कि जब ये शो साइन किया था तो ये एक फैमिली ड्रामा नहीं था। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे ये करना ही होगा। बता दें कि मिर्जापुर सीजन 3 में त्यागी परिवार की बहू बनकर सलोनी भाभी ने काफी लाइमलाइट बटोरी है और सीजन में उन्होंने कई सारे बोल्ड सीन्स भी दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में सलोनी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा सरगम ज्यादातर अपने धार्मिक रोल्स के लिए जानी जाती हैं। बता दें कि नेहा ने साल 2012 में टीवी शो रामायण सबके जीवन का आधार में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी। उन्होंने रामायण के अलावा यशोमती मैया के नंदलाला में भी यशोदा मैया की भूमिका निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही नेहा परम अवतार श्री कृष्ण शो में लक्ष्मी के रोल में भी दिख चुकी हैं। इस तरह के धार्मिक रोल करने के बाद, मिर्जापुर में बोल्ड सीन करने के बाद, उनकी इमेज इस वक्त पूरी तरह से बदल गई है। वेल, ये था बॉलीवुड से जुड़ा आज का इंटरेस्टिंग किस्सा। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियाँ जानने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।